42 इज हियर अभिवादन आपका इस नए वीडियो में। ओपन पोर्स चाहे जितने पुराने या बड़े क्यों न हो, अगर आपने एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन और टॉक्सिन फ्री प्रोडक्ट 3 से 4 महीने संयम और अनुशासन के साथ इस्तेमाल कर लिया तो आपको कमाल का फायदा होगा। तो कैसे सामान्य बनाएं अपने ओपन पोर्स को, यही है इस वीडियो का विषय, जिसमें आज मैं बात करने वाला हूं कि ओपन पोर्स आखिर होते क्यों हैं, इनका इलाज क्या है, ओपन पोर्स होने पर कैसा होना चाहिए आपका स्किन केयर रूटीन जैसे प्रश्नों के बारे में जरा विस्तार से। ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपकी जानकारी के लिए। तो आइए सबसे पहले बात शुरू करते हैं कि आखिर ये ओपन पोर्स क्यों होते हैं। जेनेटिक्स, एजिंग, पोल्यूशन, लाइफस्टाइल फैक्टर्स जैसे सन डैमेज, स्ट्रेस, अनहेल्दी डाइट, नींद का पूरा ना होना, पिंपल्स को नोचना या दबाना, हैवी या कमोडोजेनिक इंग्रेडिएंट से बने मेकअप का उपयोग करना, प्रॉपर स्किन केयर रूटीन ना फॉलो करना, इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस जो कि आमतौर पर प्यूबर्टी, प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन में होते हैं, वे प्रमुख कारण हैं जिनकी वजह से ओपन पोर्स ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। क्योंकि पोर्स तो सभी में होते हैं, ओपन पोर्स को कम करने के लिए अगर आप एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करना चाहते हैं तो आपको इन कारणों पर भी ध्यान देना पड़ेगा, तभी आप जल्दी से ओपन पोर्स को कम कर पाएंगे। अब आइए बात करते हैं कि आखिर ओपन पोर्स का इलाज क्या है। अगर आप ओपन पोर्स होने के कारणों को समझ जाएंगे तो उन्हें दूर कर पाना आसान होगा। अनुवांशिक तौर पर ओपन पोर्स जिनके होते हैं उन्हें दूर कर पाना किसी के लिए भी संभव नहीं होता। हालांकि आप एक अच्छे स्किन केयर रूटीन से ओपन पोर्स की अपीयरेंस को काफी हद तक कम कर सकते हैं। ओपन पोर्स को कम करने के लिए आप अपने स्किन टाइप के हिसाब से एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन अगर फॉलो करेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। पर एक हेल्दी स्किन केयर रूटीन फॉलो करने से पहले आपको 2 प्रमुख बातों पर ध्यान रखना होगा। तो पहली चीज जिसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपकी स्किन ऑयली या कॉम्बिनेशन है तो आपको अपने स्किन केयर रूटीन में ऐसे इंग्रेडिएंट्स शामिल करने चाहिए जो सीबम प्रोडक्शन को कंट्रोल करें और स्किन को एक्सफोलिएट करें। और वहीं दूसरी ध्यान देने वाली बात है, अगर आपकी स्किन ड्राई या सेंसिटिव है तो आपको ऐसे प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपके चेहरे पर प्रॉपर मॉइस्चराइजेशन होने के साथ साथ हाइड्रेशन भी हो, साथ ही प्रोडक्ट स्किन की इलास्टिसिटी और कोलेजन के प्रोडक्शन को बढ़ाएं। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखकर मैंने बनाया है यह वीडियो, जिसमें मैंने मदद ली है डॉक्टर शैलेंद्र पांडे MD डर्मेटोलॉजी की, और उनके इंग्रेडिएंट्स रिकमेंडेशन के बाद मेरे टॉक्सिकोलॉजिस्ट और फॉर्मुलेशन एक्सपर्ट ने लगभग 300 से ज्यादा प्रोडक्ट की इंग्रेडिएंट लिस्ट को एनालाइज करके आपके लिए चुने हैं ऐसे प्रोडक्ट्स जिनको बनाने के लिए कोई भी टॉक्सिक इंग्रेडिएंट इस्तेमाल नहीं किए गए हैं, और इसीलिए इन प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल आप अपने स्किन केयर रूटीन में लंबे समय तक कर सकते हैं। इस वीडियो में बताए गए प्रोडक्ट्स को खरीदने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब आइए जानते हैं कि अगर आपको ओपन पोर्स है तो कैसा होना चाहिए आपका हेल्दी स्किन केयर रूटीन। तो सबसे पहले बात मॉर्निंग रूटीन की करते हैं। सबसे पहले आपको सुबह सुबह अपने चेहरे को फेस वॉश से धुलना है, और अगर आपकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन टाइप है तो आपको खरीदना चाहिए बॉयक्यूल का ऑयल क्लियर फोमिंग फेस वॉश। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं द मॉम्स को नेचुरल ग्रीन टी फेस वॉश को। अगर आपकी स्किन नॉर्मल और ड्राई है तो आप खरीद सकते हैं बायोक्यूल का एवरग्लो फोमिंग फेस वॉश, और दूसरे विकल्प के तौर पर आप खरीद सकते हैं द मॉम्स को नेचुरल वीटा रिच फेस वॉश को। क्लेंजिंग के बाद नंबर आता है टोनिंग का। टोनर का उपयोग आपके स्किन पीएच को बैलेंस करेगा, बची हुई इंप्योरिटीज को दूर करेगा और सीरम के इंग्रेडिएंट्स के एब्जॉर्प्शन को बढ़ाएगा, परिणाम स्वरूप पोर्स मिनिमाइज होंगे। तो अगर आपकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन है तो आप खरीद सकते हैं व्या नेचुरल 2% ग्लाइकोलिक एसिड और 1% सैलिसिलिक एसिड। वहीं दूसरे विकल्प के तौर पर आप अमायरा नेचुरल गौरी हिमालयन टर्मरिक विच हेजल फेस टोनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल, सेंसिटिव और ड्राई है तो 2 प्रोडक्ट जो आपको खरीदने चाहिए उनमें सबसे पहला नाम है वाव स्किन साइंसेस लेवेंडर रोज स्किन मिस्ट टोनर का। दूसरे विकल्प के तौर पर आप खरीद सकते हैं इंडस वैली फ्रेश एलोवेरा और कुकुम्बर वाटर। इन टोनर्स के बारे में ज्यादा जानकारी के लिए आपको मेरा पिछला वीडियो भी देखना चाहिए,
जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ही आपको मिल जाएगा। टोनिंग के बाद नंबर आता है ट्रीटमेंट का। तो अगर आपकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन है तो आपको बायोक्यूल का नो मोर एंटी एक्ने सीरम खरीदना चाहिए। ये सीरम उनके लिए हैं जिनको एक्ने और ओपन पोर्स दोनों है। जिनको एक्ने नहीं है वे खरीद सकते हैं बायोक्यूल का ऑयल क्लियर क्लैरिफाइंग सीरम। दूसरे विकल्प के तौर पर आप अंडररेटेड सैलिसिलिक एसिड 2% और बिटाइन 3% सीरम खरीद सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल और ड्राई है तो आप कॉस आईक्यू का नियासिनामाइड विटामिन B3 5% सीरम खरीद सकते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर आपको खरीदना चाहिए प्लम 10% नियासिनामाइड सीरम विथ राइस वाटर को। टोनिंग के बाद नंबर आता है मॉइस्चराइजेशन का। तो ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन वाले अपने स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए बायोक्यूल एक्वा बूस्ट हाइड्रेटिंग सीरम खरीद सकते हैं। दूसरे विकल्प के तौर पर प्लम 2% हेलोरोनिक एसिड सीरम भी आपके उपयोग के लिए है। वहीं नॉर्मल और ड्राई स्किन टाइप वाले लोगों को 100% की मॉइस्चराइजिंग फेस क्रीम खरीदना चाहिए। दूसरे विकल्प के तौर पर आप हर्ब साइंस प्रो कोलेजन फेस क्रीम का इस्तेमाल सुबह और शाम चेहरे को मॉइस्चराइज करने के लिए कर सकते हैं। मॉइस्चराइज करने के बाद नंबर आता है सन प्रोटेक्शन का। ओपन पोर्स एक ऐसी मेडिकल कंडीशन है जिसके लिए आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा, अन्यथा इन प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आपको कोई फायदा नहीं होने वाला। इसके अतिरिक्त धूप में बाहर निकलते समय चेहरे को सूरज की तेज किरणों से बचाकर आपको रखना है। इसके लिए आप छाता, गमछा, दुपट्टा और सनग्लासेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन है तो आपको खरीदना चाहिए जस्ट हर मॉइस्चराइजिंग सनस्क्रीन जेल विथ SPF 35। दूसरे विकल्प के तौर पर आप विल्वा मेल्टिंग मिल्क सनस्क्रीन SPF 50 खरीद सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन नॉर्मल, ड्राई या सेंसिटिव है तो आपको खरीदना चाहिए द मॉम्स को मिनरल सनस्क्रीन। इसके अलावा आप जूसी केमिस्ट्री की भी सनस्क्रीन का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही आप इस वीडियो के लाइक, शेयर और कमेंट का भी इस्तेमाल जरूर कीजिएगा, क्योंकि यही एक चीज है जो आप मुझे इस जानकारी के एवज में देते हैं। अब आइए बात करते हैं इवनिंग रूटीन के बारे में, जो आपको मॉर्निंग की ही तरह रखना है। अगर आप मेकअप का इस्तेमाल करती हैं तो मेकअप को रिमूव करने के बाद मॉर्निंग की ही तरह इन्हीं प्रोडक्ट से क्लेंज, टोन, ट्रीट और आपको स्किन को मॉइस्चराइज करना है। लेकिन अगर आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है तो आप चाहें तो अपने स्किन केयर रूटीन में रेटिनॉल सीरम का भी उपयोग कर सकते हैं। तो अगर आपकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन टाइप है तो आप अपनी स्किन को ट्रीट करने के लिए वादी के रेटिनॉल 0.4% फेस सीरम से शुरुआत में सप्ताह में 3-4 बार आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब एक बार आपकी त्वचा रेटिनॉल के लिए अभ्यस्त हो जाए यानी 2-3 महीने के बाद कॉस आईक्यू ए 1% ग्रेन एक्टिव रेटिनॉइड या कॉस आईक्यू का ए 2% ग्रेन एक्टिव रेटिनॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपकी स्किन नॉर्मल, ड्राई और सेंसिटिव है तो आप जस्ट हर बकुचियल फेस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेटिनॉल के इस्तेमाल में आपको दो प्रमुख बातों का ख्याल रखना है। पहला है कि इसके उपयोग से पहले और बाद में आपको अपनी स्किन मॉइस्चराइज जरूर करनी है। और दूसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना है कि अगर आप अपने चेहरे पर रेटिनॉल का इस्तेमाल रात में कर रहे हैं तो सुबह आपको सनस्क्रीन जरूर लगाना है। इसके अलावा आपको अपनी स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए एक लो कंसंट्रेशन केमिकल पील का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपकी स्किन ऑयली और कॉम्बिनेशन है तो सप्ताह में एक बार और नॉर्मल से ड्राई स्किन वाले लोगों को 15 दिन में एक बार प्लम 10% AHA, 5% PHA और 0.5% BHA एक्सफोलिएटिंग पील विथ ग्रीन टी का इस्तेमाल करना चाहिए। अब आइए अंत में बात करते हैं ओपन पोर्स से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण बातों के बारे में। ओपन पोर्स सभी को होते हैं, 100% इनको हटा पाना संभव नहीं है। इसके अलावा दूसरी बात का जो आपको ख्याल रखना है कि बिना प्राइमर के आपको मेकअप का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। साथ ही चेहरे पर हार्श स्क्रब इस्तेमाल करने से आपको बचना चाहिए। इस वीडियो में बताए गए स्किन केयर रूटीन को फॉलो करने के 3-4 महीने के बाद ही आपको ओपन पोर्स में काफी सुधार देखने को मिलेगा। पर यह संभव है कि कुछ लोगों को इन प्रोडक्ट से थोड़ा कम फायदा मिले। ऐसे में आपको अगर ओपन पोर्स जल्दी खत्म करना है तो मेरी आपको यही सलाह होगी कि आपको त्वचा रोग विशेषज्ञ से परामर्श करना चाहिए। स्किन स्पेशलिस्ट कई सारे ट्रीटमेंट प्रोसीजर जैसे माइक्रोनीडलिंग रेडियो फ्रिक्वेंसी, फ्रिक्शनल CO2 लेजर, RF स्किन टाइटनिंग, कार्बन पील ट्रीटमेंट और माइक्रोबोटॉक्स के द्वारा आपके ओपन पोर्स को प्रभावी तरीके से सामान्य बनाने में आपकी मदद कर सकते हैं।
तो यह वीडियो यहीं पर खत्म होने को आया। अगर आपने अभी तक लाइक और कमेंट नहीं किया है कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।